बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो बच्चों, एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चंस हम करेंगे 25 to 28। इसमें आपको करना क्या है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है। ओके, तो यानी कि आपके पास जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, वो आपको याद करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। यानी कि हमने डेरीवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का डेरीवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन का। तो सबसे पहले आपके पास, आपको यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, ठीक है, 25, और ये आपको पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने लेट किया है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये आपके पास जो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है ये आपके पास। तो आपको आपने इसको लेट किया है एफ ऑफ एक्स वाई, इसको इसके बराबर कर दिया, फिर आपने एफ ऑफ एक्स यानी कि डेरीवेटिव लिया एक्स का, ठीक है, तो वाई को कॉन्स्टेंट रख दिया, उसके बाद डेरीवेटिव लिया वाई का, आपने एक्स को कॉन्स्टेंट रख दिया, क्लियर है। यानी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई भी आपने फाइंड आउट कर लिया, बस इतना ही करना है इन क्वेश्चन में। और आपने अभी इसमें पुटअप किया है फार्मूला में डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ वाई, यानी कि इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो फाइंड आउट किया हुआ था, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपके पास आपने जो एफ ऑफ वाई फाइंड आउट किया है यहाँ पर पुटअप कर दिया। उसके बाद आपने जो पॉइंट्स आपको दिए हुए थे, तो आपने इसमें सिंपली पॉइंट्स पुट किए, तो फिर ये आपके पास जो है जवाब आ गया। यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना था, वो आपके पास है 4/3, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास सवाल हल हो गया है, यानी ये आपके पास जो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 25 वो सॉल्व हो चुका है। अब आपके पास है 26। अच्छा, तो 26 है, इसमें आपने लेट किया है आपने एफ एफ एक्स वाई, ठीक है, और आपने एफ एफ एक्स डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, वाई को कांस्टेंट रख दिया, उसके बाद आपने एफ ओ वाई यानी कि वाई का डेरिवेटिव लिया, एक्स को कांस्टेंट रख दिया, क्लियर है। उसके बाद आपने इसे जो आपके पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, इसमें आपने पुटअप किया एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ वाई की, ये माइनस आ गया। ओके, अब यहाँ पर आपने जो है पॉइंट आपको जो दिया हुआ है वही इसमें सिंपली पुटअप करना है। पॉइंट पुटअप करने के बाद आपके पास डी वाई और डी एक्स टू आ चुका है, यानी कि आपके पास जो है 26 वाला जो सवाल है ये आपके पास हल हो चुका है। अब हम देख लेते हैं 27 को। तो ये आपके पास है, आपने सबसे पहले लेट सपोज किया एफ एक्स वाई, तो फिर उसके बाद एफ एक्स डेरिवेटिव लिया, एफ वाई डेरिवेटिव लिया, ठीक है जी। ओके, डेरिवेटिव लेने के बाद आपने आपके पास जो फार्मूला है उसमें पुटअप किया है, पुटअप करने के बाद आपने पॉइंट्स पुटअप किए हैं, पॉइंट्स पुटअप करने के बाद आपके पास जवाब आ जाता है। तो 27 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर चुके हो। अब हम आ जाते हैं 28 क्वेश्चन नंबर 28 की जानिब। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास सवाल दिया हुआ है जो उसको लेट्स सपोज करना है एफ ऑफ एक्स वाई के, फिर आपने एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके बाद एफ ऑफ वाई डेरिवेटिव लेना है, ठीक है जी। तो एफ ऑफ एक्स में आपने वाई को कांस्टेंट रखा और एफ ऑफ वाई में आपने एक्स को कांस्टेंट रखा, तो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया। कैसे डेरिवेटिव लिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास है एक्स ई वाई, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एक्स की जगह पर आ जाएगा 1, बाकी ई वाई आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आपके पास साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स वाई, फिर इस फंक्शन का दोबारा से जब डेरिवेटिव लेंगे एक्स हो जाएगा 1, वाई आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास वाई है, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो। अब उसके बाद आपके पास डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर आपने क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया हुआ है, क्योंकि ये वाई मौजूद है, तो ये आपके पास एज इट इज़ आएगा, ठीक है जी। डेरिवेटिव में ई की जो भी पावर होती है वो एज इट इज़ आ जाती है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा एज इट इज़। उसके बाद साइन एक्स वाई है कॉस एक्स वाई, एक्स वाई का दोबारा से डेरिवेटिव लिया तो वाई हो जाएगा 1, बाकी आ जाएगा एक्स। उसके बाद यहाँ पर वाई है, वाई की जगह पर आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाली टर्म कॉन्स्टेंट है, ये होते हैं 1/2, ये कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपने डेरिवेटिव ले लिया एफ ऑफ एक्स का भी, एफ ऑफ वाई का भी। उसके बाद आपने जो आपके पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का फार्मूला है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई, और आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना था, तो आपने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, एफ ऑफ एक्स जो फाइंड किया हुआ था वो लिखा है, एफ ऑफ वाई जो फाइंड किया हुआ था वो लिखा है। उसके बाद आपने पॉइंट जो आपको दिए हुए 0 और नीचे लग 2, तो आपने ये आपने पुटअप करना है। अब यहाँ पर आपने सिंपली पुटअप कर दिया है, यहाँ पर वाई की जगह पर आ गया ये,
एलन टू। उसके बाद ये सारा पुटअप करने के बाद ये आप जानते हो ये नेचर लगा के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये टू आ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एलन टू है और यहाँ पर आपके पास कास ज़ीरो, यानी कि यहाँ से एलन टू आपने कॉमन लिया हुआ है, आपके पास आ गया कास ज़ीरो। कास ज़ीरो वन के बराबर होता है। उसके बाद ये ज़ीरो उसके साथ मल्टीप्लाई करके ज़ीरो कर देगा, इसको भी मल्टीप्लाई करके ज़ीरो इसके साथ ज़ीरो हो जाएगा, बाकी आपके पास वन बचेगा। उसके बाद आपने जो है आपके पास जो जवाब आता है यानी कि डी बाई डी एक्स फाइंड आउट होता है, वो होता है माइनस टू प्लस एल एन टू। क्लियर है? यानी कि आपने सवाल नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपने सॉल्व कर लिया है, यानी कि आपके पास जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन थे वो आपके पास सॉल्व हो चुके हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।